हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? सर बहुत अच्छे हैं बेटा। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ जी सर, हम बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेटा, आज हम लोगों का फिक्स्ड ओवरहेड का फोर्थ लेक्चर है, और इस लेक्चर में जैसा कि बेटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, हम लोग आज बात करने वाले हैं ऑल वेरियंस कैलकुलेशन। यानी हमने अभी तक मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड सारे वेरिएंस पढ़ लिए हैं। तो आज मैं एक पास्ट ईयर से आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिसमें सारे के सारे वेरिएंस क्या होने वाले हैं, कवर होने वाले हैं। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर है 8। द एग्जाम्पल नंबर 8, पहले आप लोग थोड़ा सा रीड कर लो, फिर मैं रीड कराता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर लो। सर क्या इसकी हमें सीट मिल जाएगी? हाँ जी बेटा, आप मेरे को व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे, तो मैं आपको फुल जो सॉल्व जिस पे मैं लिख रहा हूँ तो वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है अपना? SP लिमिटेड प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट टेम्पेक्स विच इज सोल्ड इन 10 kg पैकेट। तो बेटा जो अपना प्रोडक्ट है वो कितने पैकेट, कितने केजी के पैकेट में सोल्ड हो रहा है? 10 kg। यानी जो बेटा एक आउटपुट है वो कितने का है? 10 kg का। तो सर हम एक पैकेट के का क्या पढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे कि 10 kg का पैकेट है। ठीक है, द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर पैकेट, यानी एक पैकेट का मतलब 10 kg की कॉस्ट उसने बेटा ऐसे दे रखी है। तो 10 kg हमें आउटपुट बनाने में बेटा मटेरियल कितने लग जाते हैं? 10 kg। इसका मतलब बेटा सिंपल है, 1 kg आउटपुट के लिए। यानी पर सर ये तो पैकेट है। हाँ बेटा वो तो पैकेट में ही है, बट हम नॉर्मली ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक पैकेट 10 kg का है। तो और कितना लगता है बेटा? 10 kg मटेरियल लगता है। तो 1 kg बनाने में कितना लगेगा बेटा? सर 1 kg लगेगा। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। और रेट क्या? 45 है। डायरेक्ट लेबर आवर हमारे हैं 8 आवर। यानी 10 kg एक पैकेट बनाने में, एक पैकेट का मतलब 10 kg बनाने में कितने लगते हैं? 8 आवर। ओके सर। एट द रेट 50 वेरिएबल ओवरहेड है बेटा 8 आवर एट द रेट 10 पावर। तो अगर लेबर जनरली बेटा, अगर लेबर 8 घंटे की है तो वेरिएबल ओवरहेड ही कितने का रहता है? 8 घंटे सेम लगभग रहते हैं। सर कितने परसेंट? 99.99%। पर 1% मैं अभी आप कल एक एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें बेटा लेबर के आवर अलग हो जाएंगे, वेरिएबल के आवर अलग हो जाएंगे, तो वहाँ हम डिटेल में इसकी बात करेंगे। बट अगर अभी के केस में हम लोग बात करें बेटा, तो अभी के केस में क्या है, हमारा जो लेबर है बेटा वो भी 8 आवर लगता है एक पैकेट बनाने में, यानी 10 kg बनाने में। और वेरिएबल ओवरहेड भी कितना लगता है हमारा? सर वेरिएबल ओवरहेड भी 8 आवर लगता है। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड, तो फिक्स्ड ओवरहेड कितना लगता है बेटा? 10 kg बनाने में 200 रुपये का लगता है। ठीक है, तो ये टोटल में देखो बेटा, फिक्स का ट्रीटमेंट कल मैं एक अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे से फिक्स का ट्रीटमेंट करना और भी अच्छे से सीखेंगे। तो जनरली बेटा फिक्स्ड किसी एक बजटेड आवर या बजटेड आउटपुट पर निकलता है। तो जो 200 रुपये ये चीटिंग वाला रेट है, हमें ध्यान रखना होगा कि 10 kg के लिए कितने रुपए लगते हैं? 200। और इन्होंने बजट किस पे बनाया तो उसके बेसिस से हम टोटल निकालेंगे। ठीक है सर, कह रहा है बजटेड आउटपुट फॉर थर्ड क्वार्टर ऑफ ए ईयर। बेटा एक साल है उसका तीसरा क्वार्टर है, वॉज कितना है? 10,000 kg। यानी बेटा हमने बजट कितने के लिए बनाया है? 10,000 kg के लिए। तो मैंने आपको जैसा बोला है रिपीट कर लेते हैं, और हमें बेटा वो 3 पार्ट तो बनाने हैं। हमें बिना बेटा वो 3 पार्ट के बिल्कुल भी आगे नहीं चलना है। वो 3 पार्ट कैसे? सर बजट, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। ठीक है, पर हमारा बेटा एक्चुअल आउटपुट कितना है? सर एक्चुअल आउटपुट इसमें दे रखा है 9,000 kg।
एक्चुअल कॉस्ट फॉर दिस क्वार्टर आर एज फॉलो। एक्चुअल कॉस्ट बेटा मटेरियल इतने केजी लगा हुआ है, 8900 केजी, और इस रेट का लगा हुआ है। लेबर इतने आवर लगा हुआ है, इस रेट का है। वेरिएबल ओवरहेड हमने इतने का इनकर्ड किया है, फिक्स्ड ओवरहेड हमने इतने का इनकर्ड किया है। ठीक है सर, ये हमसे पूछ के आ रहा है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, कॉस्ट। सर मिक्स क्यों नहीं पूछा बेटा? एक ही क्वांटिटी है जो इनपुट है ना, वो एक ही मटेरियल। अगर दो मटेरियल होते तो मिक्स भी पूछा जा सकता था, बस इस केस में नहीं पूछ सकते। लेबर एफिशिएंसी, लेबर रेट, मैंने आंसर भी साथ में कोट कर दिए हैं। लेबर कॉस्ट वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस। और मैंने कहा जब इतना ही पूछा तो सारे ही क्यों नहीं निकाल लेते हैं, वेरिएबल ओवरहेड रेट भी निकाल लेते हैं, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवर कैपेसिटी, कैलेंडर, ये सारे निकाल लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से पहले ट्राई करिए, ठीक है? बाकी मैं तो फिर सॉल्व करा के आपको दे ही रहा हूँ। अगर कहीं अटक रहे हैं तो फिर आप वीडियो से देखिए, पहले खुद ही सॉल्व करिए। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा। तो मैंने जैसे आपको बेटा बताया हुआ है, सर क्या बताया हुआ है आपने कि बेटा ये तो हम हमेशा हमेशा पहले यही काम करते हैं। क्या काम करते हैं सर? हम लोग बेटा ऐसे लिखते हैं, पर्टिकुलर, और यहाँ पे बना लेते हैं बजट, और यहाँ पे है अपना स्टैंडर्ड, और यहाँ पे है अपना एक्चुअल। ठीक है, सबसे पहला स्टार्टअप ही किससे ही करते हैं हम लोग? सर सबसे पहला स्टार्टअप करते हैं वो आउटपुट से। तो अगर क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो बजट बेटा कितनी यूनिट के लिए बनाया गया है, यहाँ से देख लो बेटा। सर बजट बनाया गया है 10,000 यूनिट के लिए, और एक्चुअल कितना है? 9,000। बजट 10,000, एक्चुअल है 9,000। तो बेटा मेरे को बताओ स्टैंडर्ड कितने पे बनाया जाएगा? सर स्टैंडर्ड हमेशा होता है फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो बेटा स्टैंडर्ड भी कितने पे बनाया जाएगा? 9,000 पे। सर तो हमने हमें तो इसने मटेरियल भी पूछा है, लेबर भी पूछा है, वेरिएबल ओवरहेड भी पूछा है, फिक्स, तो सारा डेटा आप यहीं पे नोट डाउन कर लेंगे? हाँ जी बेटा, सारा का सारा डेटा मैं यहीं पे नोट डाउन कर लूँगा। अब की बार मैं क्या करूँगा, क्वांटिटी और रेट को भी लिख लेता हूँ, क्योंकि डेटा बड़ा हुआ है तो हमें बहुत ढूंढना पड़ेगा। तो मैं यहीं पर सारा लिख लेता हूँ, बजट में क्वांटिटी और रेट। सर स्टैंडर्ड में बेटा केवल क्वांटिटी चलेगी, रेट तो बजट वाला ही लेना होता है। यहाँ पे क्वांटिटी और रेट, ठीक है, क्वांटिटी और क्या बेटा? रेट। ठीक है सर, तो सबसे पहले बात हुई मटेरियल की, इसकी बात हुई बेटा मटेरियल की। बहुत ध्यान से, जो क्वेश्चन ने ये डेटा दे रखा है हमें, वो दे रखा है 10 केजी के लिए, पर हमारा बजट का आउटपुट कितना है? 10,000। तो अगर यहाँ से मैंने आपको बताया था कि 10 केजी आउटपुट बनाने में बेटा मटेरियल भी कितना लग रहा है, 10 केजी, सॉरी, मटेरियल भी कितना लग रहा है? 10 केजी। तो वही है बेटा, एक आउटपुट बनाने में कितना लगा होगा? 1 केजी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यानी क्वांटिटी हमें लग जाएगी बेटा 10,000 केजी, और 1 केजी का अगर आप लोग रेट देखो बेटा, तो 1 केजी का रेट कितना दिख रहा है यहाँ पे? 45। तो मैंने यहाँ पे रेट 45 कॉपी कर लिया। सर रेट फिर से दिखा दीजिए आप एक बार, ये बेटा। ठीक है चलो, तो अब मेरे को बताना, अब हमें क्या चाहिए? पहले स्टैंडर्ड में कितना लगेगा बेटा? हमने बजट में क्या सोचा है, बजट में सोचा कि 10,000 हमें जो आउटपुट बनाना है 10,000 केजी का, तो उसके लिए इनपुट भी कितना लगेगा? 10,000। तो हमने एक्चुअल में बेटा कितना आउटपुट बनाया है? 9,000 केजी। तो मेरे को बताओ अपने बजट के हिसाब से कितना ही लगना है। सर बजट के हिसाब से तो 1 केजी के लिए 1 केजी इनपुट होना है मटेरियल का,
तो बेटा 9000 के लिए कितना होगा? सर 9000 × 1। क्लियर है सबको? किसी को अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछना। तो कितना आ जाएगा बेटा ये 9000। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, तुम लोग देख लेते हो लाइक नहीं करते हो। चलो भैया एक्चुअल एक्चुअल बात करते हैं। तो एक्चुअल की कहानी क्या है सर? एक्चुअल में 8900 kg लग गया है एट द रेट 46, ये लिखा हुआ है। ₹8900 एट द रेट 46। मटेरियल का डेटा खत्म हो गया। अब हमें बेटा लाइन खींचना हो खींच दो, नहीं खींचना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मटेरियल खत्म। अब हम डेटा किसका लेने वाले हैं बेटा? लेबर का डेटा। सर अब लेबर का डेटा लेंगे? हाँ जी बेटा लेबर का डेटा लेंगे। मैं कलर भी अलग किए दे रहा हूँ लेबर। तो अगर पीछे का याद है कि 10 kg आउटपुट में कितना लगता है बेटा? 8 लेबर लगती है, 8 आवर। देख लेते हैं सर, ये देखो बेटा 8। ये क्लियर हो रहा है? क्या बोल रहा था कि 10 kg, 10 kg का एक पैकेट है, एक पैकेट बनाने में कितना लगता है बेटा? 8। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा 10 kg बनाने में कितनी हमारी लेबर लग जाती है? 8। तो 10,000 में कितनी लेबर लग गई होगी बेटा? बोलो सर, ये आ जाएगी 8,000 आवर। सबको कम समझ में आ गया? नहीं तो मैं यूनिटरी मेथड देता हूँ, बड़ा सिंपल है। देखो बेटा 10 kg का पैकेट है, उसके लिए इनपुट कितना होता है? 8 आवर। तो 1 kg के लिए बेटा इनपुट कितना होगा? 8/10। तो सर हमें तो बजट हमने बनाया है 10,000 kg के लिए, तो बेटा 8/10 × 10,000, तो कितना आ जाएगा? ये 8,000 आ जाएगा, ठीक है। 8,000 आवर, वो भी बजटेड आवर। वैसे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतना तो सर हमें नॉर्मल समझ में आ रहा है। तो 8,000 आवर आ गया। तो यहाँ पे मैंने लिखे बेटा क्या लिख दिए? आवर। अब रेट और लिख लेता हूँ। तो सब लोग यहाँ से देख के बोलो बेटा रेट कितना है लेबर का? ये लिखा हुआ 50 पर आवर, यानी 1 आवर का रेट कितना? 50। तो मेरे को कोई बताएगा स्टैंडर्ड आवर कितने लगेंगे? हाँ सर बिल्कुल बता देंगे स्टैंडर्ड आवर कितने लगेंगे। सर देखिए 1 यूनिट के लिए लगते हैं 8/10, तो 9000 के लिए सर कितने लग जाएंगे? सबको क्लियर है ना? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। कैलकुलेटर मेरा नहीं है तो आप लोग मेरे को कैलकुलेट करके बताओ। सर ये आ जाएगा 7200। कितना आ जाएगा? 7200, ठीक है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड आवर आ गए फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब 9000 kg आउटपुट बनाने के लिए बेटा इनपुट के कितने आवर की जरूरत पड़ेगी हमें? आप लगाओ जो भी लगाओ वो कोई दिक्कत नहीं, पर जरूरत कितनी पड़ेगी? 72 पढ़नी चाहिए। कि जैसा उसने बेटा, मगर हम इस बजट के हिसाब से वर्क करते तो इतना बनाने के लिए इतने की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है सर। अब इन्होंने बेटा एक्चुअल में कितने लगाए? एक्चुअल में इन्होंने 7000 कम ही लगाए, पर रेट कितना कर लिया है? 52। तो इन्होंने लगाए हैं बेटा 7000 आवर। कितने लगाए हैं बेटा? 7000 आवर। और रेट, अब देखो मैंने आपको बहुत बार समझाया, रेट अगर पॉइंट में आ रहा है तो आप फ्रैक्शन में ही लिख दो, a/b के फॉर्म में, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं तो 2-4-5 रुपए का डिफर कर जाता है। तो हम लोग यहां से रेट के लिए देखते हैं बेटा, इन्होंने सर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इन्होंने सीधे दे दिया 52, निकालना भी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। 52 मटेरियल लेबर हो गया, ठीक है। ये क्या कर लिया हमने बेटा? लेबर वाला पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं बेटा वेरिएबल ओवरहेड वाला। देखो यहाँ पे अब डेटा किसका चलना, इसमें भी कितने घंटे लगे हैं बेटा? 8, वही सेम तरीके से। तो
तो मेरे हिसाब से आप लोग बताओ, इतना आप लोगों को अब क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल सीधे सीधे कि सर वेरिएबल ओवरहेड के लिए आवर लिख रहे हैं और रेट लिख रहे हैं या उसी के नीचे कैरी कर रहे हैं, तो सर वहाँ पे भी जैसे लेबर में थे सेम उस दिक्कत उसी तरीके से, तो 8 डिवाइड बाई 10 इंटू 10,000 तो कितना आ जाएगा बेटा 8,000 आवर। और रेट कितना है, रेट हम देख लेते हैं बेटा। सर इन्होंने देखिए रेट दे रखा है 10 पर आवर, कितना दे रखा है बेटा 10 पर आवर, तो हम यहाँ पर रेट कितना लिखे देते हैं 10। क्लियर? तो सर स्टैंडर्ड में बेटा वो सेम डिक्टो, तो मैं बार बार नोट डाउन नहीं करता, 7,200 आवर लगेंगे। ओके, एक्चुअल में देखिए क्या कहानी दे रखी है। सर एक्चुअल में लेबर आवर लगे हुए हैं, वेरिएबल में तो सर दिए ही नहीं है। तो बेटा जनरली जब भी आपको वो आवर ना दे किसके, वेरिएबल के और फिक्स के, तो ये माना जाता है कि जितने बेटा लेबर में लगे हुए हैं सेम आवर किस में लगे होंगे, वेरिएबल में, और सेम आवर फिक्स के लिए। सर कैसे, मतलब तो जितने घंटे बेटा लेबर ने काम किया है उतने ही घंटे हमारे बेटा इनडायरेक्ट आवर भी वर्क हुआ है, जितने घंटे डायरेक्ट लेबर आवर ने वर्क किया है उतने ही आवर बेटा इनडायरेक्ट लेबर ने वर्क किया हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा ये आ जाएगा बेटा कितना 700। अब रेट चाहिए होगा तो ध्यान दो बेटा, रेट के लिए हमने कितने बेटा टोटल रुपए लगा दिए हैं, 72,500। तो 72,500 डिवाइड बाई 7,000, तो बेटा आप लोग अपने कैलकुलेटर में डिवाइड करो, बताओ क्या हो आएगा फटाफट से। कैलकुलेटर में फोन पे करता हूँ। हाँ जी सर, तो सर ये तो डिवाइड करने पे 7,200 डिवाइड बाई 7,000 सर पॉइंट में आ रहा, तो बेटा मैं कुछ नहीं करता, मैं तो फिर ऐसे ही रेट कैरी कर लूँगा। सर ये पार्ट हो गया। हाँ जी बेटा, अब हम लोग किसके लिए एक लाइन खींचते हैं और यहीं पे किसका भी कर लेंगे बेटा, फिक्स्ड ओवरहेड का। अब फिक्स्ड ओवरहेड के आवर नहीं बोले हैं तो जो वेरिएबल में लगे हैं वही बेटा फिक्स्ड में मान लेते हैं, तो 8,000 आवर लगे होंगे। रेट 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 लिखना, कितना लिखना है रेट, और रेट बहुत ध्यान से पहले कॉपी करना। पहले हम लोग लिख लेते हैं टोटल फिक्स्ड ओवरहेड। अरे सर क्यों परेशान हो रहे हो, गिवन तो है, उन्होंने दे तो रखा है 200 और डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो 20 पर आवर है, नालायक। वो 10 क्या है, आउटपुट। तो अगर आप 200 डिवाइड बाई 10 करोगे ना तो 20 जो आएगा वो आएगा बेटा आउटपुट पे। अगर आपको आवर के बेसिस से लेना है तो फिर कहानी क्या चलाओगे बेटा, क्या लिखोगे। सर हम टोटल फिक्स्ड ओवरहेड निकाल लेते हैं, तो अगर यहां से देखो बेटा तो 200, ये 200 जो खर्चा करते हैं वो 10 केजी में करते हैं। कितने के लिए करते हैं, 200 खर्चा करते हैं 10 केजी के लिए, तो 10,000 के लिए कितना हो जाएगा, 2 लाख। बोलो बेटा कितना आ जाएगा, 2 लाख। तो हमें अगर फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट पर आवर चाहिए, अरे सॉरी पर आवर चाहिए, तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 लाख तो ओवरहेड हो गया। समझ में आ गया ना, 210 केजी के एक पैकेट का है तो 10,000 केजी, या बेटा पैकेट की बात करें तो 1,000 पैकेट की कॉस्ट कितनी आएगी, 2 लाख, और कितने घंटे लगेंगे बेटा, 8,000। तो हम डिवाइड करके लिखते हैं बेटा कितना आएगा, ये 2 लाख डिवाइड बाई 8,000, तो सर ₹25 पर आवर। और हमें मालूम है सर, हम आउटपुट का भी रेट निकाल लेते हैं। हाँ तो बेटा फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट पर अगर आप आउटपुट निकालेंगे तो सर ₹200 खर्च होता है, कितने बैग के लिए, 10 बैग के लिए, तो 200 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा बेटा,
200 डिवाइड बाई 10 तो ये आ जाएगा 20 रुपये पर आउटपुट, जो जरूरत होगी वो यूज कर लेंगे बेटा डेटा हम। ठीक है सर, चलो एक्चुअल की बात करते हैं, एक्चुअल में क्या गिवन है। इतना क्लियर है, कुछ भी पूछना हो तो फटाफट। चलो मैं एक बार फिर से ही बोले देता हूँ। तो बेटा पहले हमने क्या किया, फिक्स्ड टोटल फिक्स्ड ओवरहेड निकाल लिया। सर कैसे निकाला, 200 रुपये लगते हैं बेटा कितने यूनिट के लिए, 10 kg के लिए। तो 200 डिवाइड बाई 10 इंटू 10,000 का बजट रखा था, तो कितना आ गया बेटा 2 लाख। एक्चुअल की कहानी देखते हैं, तो एक्चुअल की कहानी में सर है हमने 1,92,000 इनकर्ड किया हुआ। कितना इनकर्ड किया है बेटा, 1,92,000। इतना इनकर्ड किया हुआ है हमें, तो सर रेट लिख रहे हैं। तो आवर बेटा कुछ नहीं गिवन, अलग से गिवन होता तो वही यूज करते, कुछ नहीं गिवन है तो मानते हैं जितना वेरिएबल में लगा है उतना ही यहाँ पे लगेगा। डिवाइड बाई 7,000, डिवाइड करके देखो पॉइंट में आ रहा है तो यही रखेंगे, पॉइंट में नहीं आ रहा है हमारा होल नंबर आ रहा है तो नोट डाउन कर लेंगे। दिस डिवाइड बाई 7,000, सर पॉइंट में आ रहा है तो बेटा यही रेट कैरी करेंगे। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, सर यहाँ पे भी आवर 72 आवर रहेंगे क्योंकि यहाँ पे 7,200 है, तो यहाँ पे क्योंकि बेटा वो सेम कैरी कर रहे हैं हम लोग। इतना पहले नोट डाउन कर लो, अगर इतना चार्ट बना लिया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, केवल डेटा में क्या करना है वैल्यू डालना है। पॉज करो और नोट डाउन करना, मैं तो आगे कैरी करता हूँ। ठीक है, तो क्या क्या पूछा है, मटेरियल यूसेज प्राइस कॉस्ट तीनों पूछ लिए हैं, तो बेसिक पार्ट था बेटा मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। बताओगे मेरे को निपुण, बोलो क्या होगा बेटा। सर ये होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सर किसकी बेटा, मटेरियल के निकाल रहे हैं तो मटेरियल के ही, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। और बेटा एक्चुअल कॉस्ट तो हमें गिवन नहीं है, वैसे कैसे निकलती है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, पर एक्चुअल कॉस्ट तो हमें सीधे उसने दे रखी है बेटा, तो क्यों झंझट पालें, ये दे रखी है मटीरियल की कि हमने इतना लगाया हुआ है 4,09,400 का। आप वैसे यहाँ से भी ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं था, क्या 8,900 इंटू 46 भी कर सकते हो, वही आएगा। लो 8,900 इंटू 46, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जरूर देख लो बेटा ये 9,000 और रेट है 45, 9,000 इंटू स्टैंडर्ड रेट। सर बस्टेड रेट स्टैंडर्ड एक ही बात है, ये 45। तो इस तरीके से ये हो जाएगा अपना 8,900 इंटू 46, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं बेटा आना वही है 4,09,400, तो सीधे ही रख दो वो ज़्यादा अच्छा है। और 9,000 इंटू 45 तो 4,05,000, तो इस हिसाब से बेटा कितना आ जाएगा अपना, जल्दी से बताओ मैं यहाँ से देखूँ बेटा कितना आ जाएगा। हाँ सर ये आ जाएगा 4,400। ये देखो बेटा ये कॉस्ट लिखी हुई है मटेरियल की, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, सर ये आ गया 4,000, वो भी क्या है बेटा ADV एडवर्स। ऐसे ही क्या निकाल लेंगे हम, मटेरियल प्राइस वेरियंस या रेट वेरियंस कह सकते हो। चलो श्रुति बताओ फॉर्मूला, सर ये हो जाएगा देखिए प्राइस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस की वजह से आया था, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ठीक है, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस फटाफट से देखो सर, स्टैंडर्ड प्राइस तो ये देखो बेटा ये है 45, तो वही हम लोग नोट डाउन कर ले रहे हैं 45। एक्चुअल प्राइस देखो बेटा, एक्चुअल प्राइस है 46, ये लिखा हुआ है,
और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगाई है ये, और देख लो सर यहाँ पे लिखी हुई है, हाँ बेटा ये 8900, ये आप यहाँ से भी देखोगे तब भी वही आएगी 8900। ठीक है सर, तो इस हिसाब से कितना आ जाएगा, 1 रुपए, तो 8900 ADV। अब हम लोग निकाल लेते हैं मटेरियल यूसेज वेरियंस, तो बेटा ये किस वजह से आता है कुशाग्र, किस वजह से आता है फटाफट बोलो। सर देखो ये यूसेज की वजह से आता है, किसकी वजह से आता है, यूसेज की वजह से आता है। तो यहाँ पे सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो सर जैसे हमें याद है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी आई थी, देख लो बेटा एक बार, 9000, और एक्चुअल है 8900, तो 9000 माइनस 8000 इंटू रेट बेटा स्टैंडर्ड 45, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4500 फेवरेबल। और हम पढ़ के आए हैं बेटा प्राइस और यूसेज को जोड़ने पे क्या आ जाता है कॉस्ट, तो रिचेक करो 8900 एडवर्स और बेटा प्लस का 4500, तो बोलो कितना आ जाएगा ये सर, 8500 और ये है 4500, 8900 है बेटा, सॉरी 8900 और ये 4500 फेवरेबल, तो सर 44। तो बेटा हमने चेक भी कर लिया, हाँ सर चेक कर लिया, इतना फटाफट नोट डाउन कर लो, ठीक है सर कर लिया। मटेरियल के पार्ट हो गए, अब हो सकता है बेटा क्रम ऊपर नीचे मैंने कर दिया, और पहले यूसेज था फिर प्राइस था फिर लेबर इफिशियंसी रेट और कॉस्ट है, तो लेबर इफिशियंसी वैसे तो अब आप लोग खुद ही निकाल दो यार। कि मैं निकालूं, खुद से करो, चलो सर हम तो कर चुके हैं तो अच्छी बात है, जिन्होंने उस टाइम नहीं किया अब कर लो, ठीक है वीडियो पॉज करो और करो, मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो लेबर रेट वेरियंस, चलो बोलो फॉर्मूला क्या होगा, हनी बताओ क्या फॉर्मूला होगा लेबर रेट वेरियंस का। सर देखिए लेबर रेट वेरियंस का फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर पेड। हाँ सर, सर यहाँ पे पेड वर्क लिखने कोई मतलब ही नहीं, हाँ बेटा क्योंकि यहाँ पे कोई भी आइडल टाइम नहीं है, आइडल अगर होता हमारा तो दिक्कत होती है, ठीक है आइडल टाइम नहीं है मतलब बेकार का, जो हमने टाइम खराब किया वो कोई टाइम नहीं, तो वर्क और पेड क्या बराबर है। स्टैंडर्ड रेट, चलो देखो भैया इसीलिए ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड रेट 50 है और एक्चुअल रेट 52 है, तो बेटा रेट एडवर्स ही आना है, और एक्चुअल आवर कितने लगाए हैं 7000, तो ये कितना आ जाना है 214000 ADV। क्लियर, हाँ सर बिल्कुल, ये तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया रेट। फिर था बेटा लेबर, क्वेश्चन देखो आसान है, टफ कुछ भी नहीं एग्जाम का है, बस केवल क्या है हमें फिक्स वाले डेटा को सही करना था, फिक्स वाले गड़बड़ भी हो रहा है तो मटेरियल लेबर और वेरिएबल ओवरहेड तो सही होना ही चाहिए, अगर ये सही नहीं आ रहा तो फिर से चुल्लू में पानी लेना बेटा डूब मरना भाई, एक क्वेश्चन करो उसको बिल्कुल अच्छे से सोच के करना है हमें। लेबर इफिशियंसी वेरियंस, तो बेटा लेबर एफिशिएंसी वेरियंस क्या आ जाएगा हमारा, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो स्टैंडर्ड आवर जैसे मेरे को याद आ रहा है, अरे सर याद नहीं करिए देख लीजिए पीछे, तो ये है भैया ये 7200 एक्चुअल, ये है 7200 और एक्चुअल 7000, यानी इफिशियंसी बेटा पॉजिटिव आने वाली, स्टैंडर्ड रेट 50 है, तो कितना आ जाने वाला है सर 200 × 50 10000, तो 200 × 50, हाँ सर 10000 फेवरेबल,
इसके अकॉर्डिंग बेटा 4000 एडवर्स लेबर कॉस्ट वेरियंस आना चाहिए इनको जोड़ के, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का 4000 सर आना चाहिए। देखे लेते हैं बेटा, लेबर कॉस्ट वेरियंस, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, और ये तो सर सीधे लिखा है, तो बेटा एक्चुअल लेबर कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड आवर अभी पीछे यही जस्ट पढ़ के आए बेटा, पीछे देखना चाहो पीछे देख लो, 7200, रेट कितना है 50, और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है देख लो एक बार। एक्चुअल है सर, एक्चुअली कौन सा क्वेश्चन है, ये एक्चुअल है 3,64,000। अब आवर के हिसाब से मल्टीप्लाई करके भी कर, 3,64,000। तो कैलकुलेट कर दो बेटा कितना आता है ये सर, 4,000, अरे ना लाइक कैलकुलेट तो कर, 7,200 इंटू 50, तो सर ये आ गया 3,60,000 माइनस 3,64,000, तो 4,000। अरे नालायक कहाँ देख रहा है, हाँ तुम सही बोल रहे हैं, यहाँ देखो नालायक कहीं का, हाँ यहाँ देखो, तो 4,000 तो मैच भी कर गया। यस सर, इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है सर हो गया। अब इसके बाद क्या पूछा है उसने, वेरिएबल वाले भी पूछे होंगे, तो उसने केवल हमसे क्या पूछा है बेटा, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, पर हम तो तीनों निकाल देंगे सर, दो हम निकाल लेंगे ठीक है, तो निकाल जरूर लेना, हाँ आप केवल कॉस्ट निकाल दो, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस क्या फॉर्मूला होगा इसका सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट लिखना हो बेटा तो ये लिख सकते हो, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल, बट सर उन्होंने दे रखा है, तुम सीधे वहीं से चिपका देंगे, तो कितना दे रखा है, वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड 72,500, 72,500, और ये तो आएगा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड, पर वेरिएबल वाले लेना बेटा पर आवर के, तो स्टैंडर्ड आवर जैसे मेरे को याद आ रहे हैं 7,200 थे, हाँ सर जो लेबर के थे वो सेम थे, पर सर रेट तो देखना पड़ेगा, हाँ जी बेटा रेट देखना पड़ेगा, तो ये है चार्ट, 7,200 और रेट कितना है 10। तो 72,000 माइनस 72,500, 500 क्या आया बेटा, एडीवी एडवर्स, यानी हमारी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस 500 कैसा है बेटा, एडवर्स। सर रेट भी निकाल दो ना, एक क्वेश्चन पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा ठीक है, तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस, बेटा रेट भी बोल सकते हो पर जनरली ये लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर वेरियंस, तो होता है रेट का, ये स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू बेटा क्या, एक्चुअल आवर, तो स्टैंडर्ड रेट तो 10 मिल गया, एक्चुअल रेट सर पॉइंट में आया था तो हमने लिखा नहीं था, तो हमने कैसे लिखा था, 72,000 500 डिवाइड बाई 7,000, 72,000 72,500 डिवाइड बाई 7,000, और एक्चुअल आवर कितना है 7,000। सर ऐसा क्यों लिखते हो बेटा, 7,000 से 7,000 कट जाएगा, 10 इंटू 7,000, तो 70,000 माइनस 72,500 कितना आ जाएगा, 2,500 ADV। तो इस हिसाब से बेटा कॉस्ट वेरियंस कितना आना चाहिए सर, पक्का 3,000 आना चाहिए, तो बेटा बिल्कुल सॉरी
ये तो कॉस्ट है ही बेटा ऑलरेडी, सॉरी सॉरी बिल्कुल सॉरी बेटा, ये सर कॉस्ट 500 ADB है और एक्सपेंडिचर आ गया। तो सर जो हमारा वेरिएबल ओवरहेड इफिशियंसी वेरियंस होगा वो फेवरेबल होगा, और कितने से बेटा 2000 से, तभी तो बेटा इन दोनों को मैच कराने पे कितना आना चाहिए 500। तो वेरिएबल ओवरहेड इफिशियंसी वेरियंस, तो क्या फॉर्मूला होता है, इफिशियंसी स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर बेटा वही 7200 है और एक्चुअल आवर 7000 है और स्टैंडर्ड रेट 10 है। आप उसको बेटा देख सकते हैं जो हमने 3 कॉलम बनाए हुए थे, तो इस हिसाब से ये क्या आ जाएगा 2000 ADB। इन दोनों को बेटा ट्रीट करने पे देखो वापस वही मिल रहा है। हाँ जी सर बिल्कुल मिल रहा है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस प्लस बरा सर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस बराबर होगा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड इफिशियंसी वेरियंस। तो ये 2500 ADB यानी माइनस का और नालायक हूँ, इसको भी ADB लिखवा दिया तुम लोगों ने, ये क्या होगा फेवरेबल, क्योंकि बेटा ये देख रहे हो प्लस का आ रहा है तो फेवरेबल। तो ये कितना आएगा 500 माइनस का, तो क्या लिख देते हैं ADB, और अपना कॉस्ट भी कितना है। ओके डन। तो बेटा कहीं पे दिक्कत हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डालो या आप यूट्यूब पे भी बेटा कमेंट कर सकते हो कि सर ये वाला पार्ट नहीं आ रहा, और पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करो जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले। ठीक है चलो, तो सर फिक्स वाला भी कर लें। हाँ जी बेटा फिक्स वाला भी कर लेते हैं, अब यहाँ तक आए इतनी मेहनत की है तो बेटा फिक्स वाला भी करके ही जाएंगे। अरे चलो भैया पेज आगे पीछे ऐड हो गया, बिफोर होना था, ओ माई गॉड दोनों बार गलत ऐड कर दिया। ठीक है वो हटा दूंगा मैं अभी। तो मेरे को बताना अब क्या पढ़ने वाले हैं। वैसे तो सर उसने केवल हमसे पूछा था फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस केवल पूछा था, बट बेटा हम लोग सारे जितने पढ़े हैं वो एक क्वेश्चन में पूरी मेहनत कर लो, क्वेश्चन कुछ अलग से नहीं आता है, कभी डेटा कम होता है कभी डेटा ज़्यादा होता है, कंसेप्ट यही है। मैं आपके कल के टर्न पे एक एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा और एक मॉड्यूल का बकवास टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें डेटा बहुत है पर उसके सॉल्यूशन बहुत ही क्या है आसान है। तो सर ये तो होता था रिक्वर्ड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, रिक्वर्ड माइनस, या नीचे लिख दूँ, हाँ सर नीचे लिख दो इसको, रिक्वर्ड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ओके हाँ जी सर, तो रिक्वायर्ड बेटा दो तरीके से आवर के बेसिस में, अभी भी दोनों से निकलवाऊंगा, तो जब भी प्रैक्टिस करो दोनों से निकालो एग्जाम में, फिर जो आपको गिवन हो उससे कर लेना। तो सर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आउटपुट, बहुत ध्यान से है ना, और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो सर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना है आप लोगों के पास रजिस्टर में नोट करते जा रहे होंगे साथ में, तो लिखा होगा बेटा सर ये है 1,92,000, ये 1,92,000। एक्चुअल आउटपुट कितना है 9,000, बहुत ध्यान से एक्चुअल आउटपुट कितना 9,000, और स्टैंडर्ड रेट कितना निकाला था 20। तो आप लोग रजिस्टर में पलट के देख लो कि मैं दिखाऊं, सर दिखा दो प्लीज बेटा, मेरे को बहुत पेज पलटने पड़ते हैं देखो, पर आउटपुट का रेट कितना है 20, तो कितना आ गया ये 1,80,000 माइनस 1,92,000, तो 12,000 क्या आ जाएगा एडीबी एडवर्स आ गया।
अब इसके कितने पार्ट करते थे हम लोग? सर दो पार्ट करते थे। हाँ बोलो बेटा। ध्रुव बता रहा है, ध्रुव गुप्ता। हाँ बोलो। सर एक होता था फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस, वेरी गुड। दूसरा सर देखो, या तो एक्सपेंडिचर की वजह से बढ़ घट रहा है या सर वॉल्यूम की वजह से, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस। हाँ चलो बताओ बेटा, इसका फॉर्मूला बोलो जल्दी से। हाँ खंडेलवाल जी, हाँ तुम बताओ फॉर्मूला। सर ये होता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। सर आपने क्या बजट बनाया था, एक्चुअल में क्या खर्च कर दिया? तो बजट मेरे हिसाब से पीछे अगर आप देखोगे तो 2 लाख का है। हाँ सर। और एक्चुअल फिक्स्ड ओवर है 1,92,000। सर कहाँ है डेटा? बेटा भाई इतने पेज पलटो, डेटा मिल जाएगा आपको। बजट सर एक्चुअल, बेटा ये यहाँ से देख लो, एक्चुअल मैंने लिखा नहीं है ना, 1,92,000। तो मैं यहाँ पर चाहो तो एक्चुअल भी लिख लो, एक्चुअल कितना, 1,92,000। एट थाउजेंड कैसा आ जाएगा बेटा? ये फेवरेबल। अब फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम, वॉल्यूम के बढ़ने से, तो बेटा इसको दो तरीके से कर सकते हो, बोलो कैसे? हाँ इसने आप बताओ। सर आउटपुट से भी निकाल सकते हैं और आवर के बेसिस से। सर पहले आउटपुट के बेसिस से निकाल दो, वॉल्यूम का बढ़ना घटना। तो एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट है अपना 9,000, बजट बनाया था 10,000। अब मैं डेटा बार बार नहीं पलट रहा हूँ, आपको मालूम है। और ये था सर 20 रुपये, ठीक है 20। तो 1,000 इंटू 20 तो कितना आ जाएगा बेटा? ये सर 1,000 इंटू, तो बेटा 20,000। वो भी कैसा, ADB। वॉल्यूम के कितने पार्ट हुए थे? सर दो पार्ट हुए थे, बोलो वॉल्यूम के। एक तो था सर फिक्स्ड ओवरहेड इफिशियंसी वेरियंस, और एक सर था फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरियंस। फॉर्मूला ऊपर चढ़ा लें? हाँ सर दूसरे पेज पे लिख लीजिए आप, ये वाले पार्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिक्स्ड ओवरहेड इफिशियंसी वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी। सर देखिए वॉल्यूम दो रीजन से बढ़ता है, या तो हमारी इफिशियंसी सर बढ़ी घटी होगी। देखो जैसे बेटा इफिशियंसी क्या मतलब, हम बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो जो काम हमें 1 घंटे में करना था वो हम 45 मिनट में कर ले रहे हैं। तो बेटा एक दिन का आउटपुट क्या होके आएगा, ज़्यादा होके आएगा, ठीक है सर, इफिशियंसी की वजह से। तो इसका फॉर्मूला बेटा क्या बनेगा अपना, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। फिर कैपेसिटी का बोलो बेटा। सर कैपेसिटी का तो एक्चुअल आवर माइनस बस्टेड आवर कैपेसिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर बताओगे सर, हमें याद आ रहा है 7,200। याद नहीं आ रहा, यही है बेटा, देखना तुम लोग पीछे, 7,200। और एक्चुअल आवर कितने हैं, 7,000। और स्टैंडर्ड रेट अब देखना, फिक्स कर रहा है वेरिएबल, सर फिक्स कर रहे हैं, फिक्स का रेट निकाला है क्या? सर निकाला। सर 20 रुपये लिख लो, ये है तो सर 20 रुपये। नालायक, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट कैसा चाहिए, पर आवर। मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक, बोला था ना मैंने बहुत जल्दी होती। सर पूरा पीछे वाला हो गया। सर इसको आपने आवर के बेसिस से नहीं किया, आप इसको आवर के बेसिस से भी तो कर दो। लो भैया फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट हो गया, समझ में आ गया, एक्सपेंडिचर समझ में आ गया। सर वॉल्यूम हमें आउटपुट से आ गया, आवर से और करा दो। तो कैलकुलेट आवर से कर लो, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बस्टेड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर कितने आए थे बेटा, 7,200। और बस्टेड आवर कितने आए थे, अब तो देखना ही पड़ जाएगा।
सर ये देखिए 8,000 है और ये 72 है और 7,000 है, ठीक है भैया। तो बजट कितना 8, और रेट सर लिख लो रेट कितना, अभी तो लिखा 20 रुपए, मार खा जाओगे मेरे से। स्टैंडर्ड रेट पर आवर, तो सर हमने तो पर आवर भी निकाला हुआ है। हाँ बार बार देख पलटना पड़ रहा है पेज इसी वजह से। अब देखो ये कहीं ये चार्ट नहीं बनाते ना तो और भी दिक्कत आ जाती। सर ये है 25, तो बेटा कितना रेट ले लेंगे 25। कैलकुलेटर चलाओ सर, 800, 800 × 25, 20,000 कितना आ गया बेटा ये 20,000, ठीक है। यहाँ से 20,000, यहाँ से 20,000, माइनस का प्लस का क्या 8,000, तो बेटा कितना आ गया 12,000। अब चलो इफिशियंसी बताना बेटा, इफिशियंसी सर अगले पेज में, अगले पेज में कर दो। हाँ तो ये लिखा है बेटा स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना है 25, तो ये कितना आएगा बेटा 200 × 25, तो ये तो आ गया 5,000 फेवरेबल। कैसा आ गया बेटा ये 5,000 फेवरेबल, मतलब आपकी इफिशियंसी अच्छी है। कैपेसिटी देखते हैं सर, एक्चुअल तो 7,000 ही घंटे काम किया है, बजट में बातें हुई थी 8,000 घंटे की, और रेट कितना स्टैंडर्ड रेट 25, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 25,000 ADV। और इसको क्या जोड़ने पे 20,000 आ रहा है, देखो अपना भी कितना है बेटा 20,000। हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया, पक्का। हाँ सर पक्का। अब कैपेसिटी के बाद बेटा, कैपेसिटी के फिर दो पार्ट। सर ये तो पूछा नहीं, ये तो बेटा मैं अपने मन से बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन ने नहीं पूछा। फिक्स्ड ओवरहेड, मेरे कुछ समझाना था आप लोगों को, कैलेंडर वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड, सब कैपेसिटी वेरियंस। सर सर हाँ बेटा सर, इसने डेज तो दिए ही नहीं है, इसीलिए तो मैं निकलवा रहा हूँ बेटा। अगर इसने डेज नहीं दिए तो नोट बेटा ये बिल्कुल गांठ बांध लो, चोटी लगा लो, है ना, क्या कि जब भी बेटा आपको क्वेश्चन साइलेंट अबाउट डेज, देन बेटा हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल डेज बराबर किसके होगा, बजटेड डेज। सर अगर एक्चुअल डेज बजटेड डेज के बराबर मान लोगे तो कैलेंडर वेरियंस तो होगा ही नहीं। हाँ जी बेटा, तो अगर आपको क्वेश्चन में कभी क्या नहीं गिवन है, सर हमें अगर क्वेश्चन ने कभी अगर इसने क्या नहीं दे रखा, डेज नहीं दे रखे, तो हमेशा क्या मानोगे, एक्चुअल बराबर है बजटेड का, यानी सर कैलेंडर वेरियंस तो हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटी और सब कैपेसिटी बराबर होगी। यस कैपेसिटी सब कैपेसिटी बराबर ही होना पड़ेगा, क्योंकि बेटा ये इसको और इसको जोड़ के ये मिलता है, तो कैलेंडर जब 0 ही है तो कैपेसिटी और सब कैपेसिटी क्या होगी, बराबर होगी। हाँ सर ठीक है, तो ये तो सर लिख दो फॉर्मूला, एक्चुअल डे माइनस बस्टेड डे इंटू स्टैंडर्ड रेट पर डे, अब दोनों सेम है ये तो 0 हो जाएगा। अब सब इफिशियंसी का फॉर्मूला बोलना सर, आवर की वजह से। सर इसको हम लोग लिखते थे अगर याद हो तो, एक्चुअल आवर इन एक्चुअल डे और बस्टेड आवर इन एक्चुअल डे इनटू स्टैंडर्ड। अब बेटा एक्चुअल डेज तो पता ही नहीं, यानी एक्चुअल बस्टेड सेम ही है, तो हम इसको क्या बोल देंगे बेटा, एक्चुअल आवर और माइनस बस्टेड आवर। तो क्या देख रहे हो बेटा आप लोग, ये क्या हो जाएगा, सेम वही बन जाएगा। सर आप तो पॉसिबल आवर लिखते थे, बेटा मेरे को बताओ जो बजटेड डेज हैं वही एक्चुअल हैं, तो पॉसिबल आवर ऑटोमेटिक किसके बराबर हो जाएंगे, बजटेड आवर के। हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई, यानी बेटा इसमें दो पार्ट निकल के आ गए। तो जब आपका बेटा क्वेश्चन साइलेंट हो जाए अबाउट डेज, तो एक्चुअल डेज बराबर बजटेड डेज, देन बेटा पॉसिबल आवर बराबर हो जाएगा किसके, सर बस्टेड आवर के। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो मेरे को कमेंट करो, मैं अगले वीडियो में उसको बहुत डिटेल से बता दूंगा। ये क्या इतनी बात तुम लोगों को समझ में आ गई है।
5 मिनट का ब्रेक लेते हैं बेटा, इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अरे सर आप हमें दे दो, हम घर से कर लेंगे, थोड़ा सा हिंट कर दो, हम घर से कर लाएंगे, हम अच्छे बच्चे हैं। अच्छा तो इतना पहले नोट कर लूँ, मैं एक बार पूरी PDF घुमा देता हूँ। दिस सर वहाँ बैक से घुमाइए। ओके बताया करो ना मेरे को। दिस 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 खाली पेज है, पूरा फिक्स हो चुका है ना सर, आपने बहुत जल्दी जल्दी करा दिया। तो मेरे बेटा मैं एक बार रिवीजन भी आपको एक बार करा दूंगा, वैसे तो मेरे हिसाब से आ गया होगा, टाइम वेस्ट करना होगा। हाँ सर आ गया है हमें तो। अब ये 9th क्वेश्चन है, ये आपको घर से करना है ना, इसमें एक पॉइंट है जो आपको नहीं आएगा, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आंसर लिखे हुए हैं, आप लोग घर से कर लेना। ये एग्जाम 2011 में आया था। गामा लिमिटेड हैज फर्निस्ड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड कॉस्ट डेटा पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल 10 kg एट द रेट 10 per kg। मतलब बेटा जो हमारा क्या कह रहा था, गामा लिमिटेड हैज फर्निस्ड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड कॉस्ट डेटा पर यूनिट, यानी एक यूनिट बनाने में बेटा कितना मटेरियल लग जाता है, 10, उसका रेट बजट दे दिया, 6 लेबर आवर लगती है उसका रेट दे दिया, वेरिएबल के बेटा 6 लगते हैं उसका रेट दे दिया। हाँ फिक्स ओवरहेड कितने बेटा, 4,50,000 per month, और जो कि बेटा बेस्ड किस में, नॉर्मल वैल्यू 30,000 लेबर। प्लीज यहां बहुत ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो तो जब भी मेरे को होता ना रेट निकालना होता फिक्स्ड ओवर का, तो ये खर्चा 4,50,000 हुआ है, और कितने आवर आप बजट कर सकते हो। जैसे हम लोग कह रहे हैं ना, नॉर्मल वैल्यू का मतलब होता है बेटा बजटेड, ऑन एन एवरेज कैपेसिटी, तो कितने पे निकला है, 30,000। यानी जो आप रेट निकालोगे ना बेटा, वो 4,50,000 डिवाइड बाई क्या करोगे बेटा, 30,000 करोगे, तो यहाँ से आपका फिक्स्ड ओवरहेड का रेट आ जाएगा। बेटा कॉस्ट पूछा है तो आप आउटपुट के बेसिस पे भी कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। एक्चुअल कॉस्ट डेटा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त इतना दे रखा है, तो बेटा यानी नॉर्मल, यहाँ से हमारी ये कहानी हो गई बजट की, ये कहानी हो गई। एक्चुअल बेटा ये दे रखा है, द एक्चुअल कॉस्ट डेटा फॉर द मंथ ऑफ 2011 आर एज फॉलो, मटेरियल हमने कितना यूज कर लिया बेटा, दिस इतनी कॉस्ट का, तो बेटा यहां से रेट भी निकाल लेंगे, लेबर इतना, इतने आवर, वेरिएबल इतना, फिक्स इतना, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना दे रखा है बेटा, 4,800 यूनिट। कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट, अरे यार ये तो और भी आसान है, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ये तो सर हम कर लेंगे पक्का, 100% आंसर लिखें, नहीं आए तो मेरे को इन्फॉर्म करना, ठीक है, तो मैं सॉल्व करा दूंगा। थैंक यू गाइस, अपना ख्याल रखिए, घर पे ही रहिए। थैंक यू बेटा।